अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। वेलकम टू साइमा कुकिंग एंड विलॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी समर कलेक्शन, जो मैंने समर ड्रेसेस तैयार करवाए हैं और किस किस ब्रांड से लिए हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मेरे साथ रहना है, आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है। और ईद के लिए भी बताइएगा कि इनमें से मैं कौन सा जोड़ा जो है वो ईद के लिए रखूं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये ड्रेस शेयर कर रही हूँ, ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र के लिए भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच थे साथ, और ये शर्ट दुपट्टा था लेकिन पोस्टर पर ब्लैक ही ट्राउज़र था तो हमने उधर से ही फिर ब्लैक ट्राउज़र लिया। और ये इसका दुपट्टा है और ये ड्रेस जो है ये निशात लीलन से मैंने लिया था। क्रिंकल शिफॉन का ये दुपट्टा है और दुपट्टे का प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है। और अभी मैं आपको इसकी शर्ट भी दिखाती हूँ। ये इसकी शर्ट है, इस तरह से गले पे गोल्डन कलर की डोरी लगाई है, साथ इसके बटन है। स्लीव्स इसके दिखाती हूँ और स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से मोटिव साथ मिले थे। ये इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। और अब मैं इसका आपको दामन दिखाती हूँ। दामन मैंने इसका सिंपल रखा था क्योंकि ट्राउज़र पर भी एम्ब्रॉयडरी, स्लीव्स पर भी, तो समर के ड्रेसेस को थोड़ा सा हल्का ही होना चाहिए, इस वजह से मैंने दामन को जो है वो सिंपल रखा था। और अब आते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। और ये ड्रेस मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये मुझे मिला था गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मिला था मुझे, मेरी सिस्टर ने ये दिया था। बहुत प्यारा ड्रेस है और ये भी निशात से ही लिया था। गिफ्ट हो और गिफ्ट में ड्रेस मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका बहुत बड़ा है। ये इसके पल्लुओं पर मैंने इस तरह से लेस लगाई है क्योंकि शर्ट पर भी मैंने इसी तरह की लेस लगाई हुई है। दुपट्टे की तरह का ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैं दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा प्रिंटेड ट्राउज़र है। इस तरह से लेस लगवाई है, साथ प्लेट्स डलवाए हैं और ये इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा था समर के लिहाज से। और ये ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसकी शर्ट दिखाती हूँ और शर्ट की भी मैं आपको शर्ट की स्टोरी बताती हूँ कि ये इसकी बैक साइड थी जिसको मैंने फ्रंट बनाया, और फ्रंट वाली साइड जो एम्ब्रॉयडरी वाली थी उसको मैंने बैक पे लगाया है। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मोटिव भी साथ दामन के लिए मिले थे, और अगर मैं एम्ब्रॉयडरी वाली जगह पे मोटिव लगाती तो आगे वाली जो फ्रंट साइड है वो ज़्यादा हैवी हो जानी थी और ये बैक साइड जो है बिल्कुल सिंपल और हल्की सी रहनी थी। तो मैंने ये सोचा कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो प्यारी लगनी चाहिए। ये मैंने फ्रंट साइड बनाई है और इसके साथ ये लेस मैंने आपको दुपट्टे पे भी लगाई है, और ये इसकी बैक साइड थी। और अब देखें फ्रंट साइड भी बहुत प्यारी लग रही है और बैक साइड भी इस तरह से। ये लेस मैंने दामन पे लगाई थी और ये मोटिव है, और ये मोटिव अगर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लगते तो इतने प्यारे नहीं लगने थे जितने ये प्लेन पे लग रहे हैं। प्लेन नहीं है, प्रिंटेड है लेकिन एम्ब्रॉयडरी के बगैर है। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने किस तरह की ये डिज़ाइनिंग की है। ये मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये वाला फ्रंट साइड थी और ये वाली बैक साइड थी जिसको मैंने फ्रंट साइड बनाया, और गले पे इस तरह से ये लेस बहुत ज़्यादा मैच हुई थी। और स्लीव्स पर ये जो वाइट ऑफ वाइट कलर में लेस है ये ट्राउज़र के लिए थी जिसको मैंने स्लीव्स के लिए इस्तेमाल किया, और ट्राउज़र पर जो है वो मैंने मेरून कलर की यूज़ की हुई है। और इस तरह से ये इसकी लुक है फाइनल। अब आते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। और थर्ड ड्रेस ये भी शर्ट दुपट्टा था और ये ट्राउज़र ऑफ वाइट कलर में जो है मेरे पास एथनिक से मैंने लिया था लास्ट समर में। तो इसके लिए मुझे चाहिए था शर्ट दुपट्टा, तो जब मैं सना सफीनास पर गई तो वहाँ पे ये डिस्काउंट में सेल में लगा हुआ था शर्ट दुपट्टा। ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, तो तब मैंने ये लेके रख लिया था, बहुत ज़्यादा मैच हुआ था। इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र भी चल जाएगा लेकिन ये ऑफ वाइट ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये इसके स्लीव्स हैं और इसके अंदर हल्का सा बेबी पिंक कलर है जिसके साथ मैंने ये लेस मैच की है। मुझे ये लेस का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था, तो इस तरह से जोड़ लेस के साथ आगे ये वाली लेस लगाई है।
और ये इसका दुपट्टा है, दामन इसका दिखाती हूँ और फिर आपको समझ आएगी कि इसका दुपट्टा ब्लैक क्यों है, क्योंकि इसका दामन जो है ये है और दामन पर भी पिंक कलर की साथ लेस लगाई है। और पोस्टर में भी ऑफ वाइट कलर का ही ट्राउज़र था उसके साथ, तो इसकी वजह से मैंने ये साथ मैच किया। अब आते हैं लास्ट ड्रेस की तरफ। सबके पास एक वाइट ट्राउज़र के साथ तो ड्रेस होता ही है, आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे साथ। और ये ट्राउज़र मैंने इस तरह से सिंपल ही रखवाया था और ये इसका दुपट्टा है। और ये ड्रेस मैंने दुपट्टे और स्लीव्स की वजह से ही लिया था, क्योंकि मुझे इसके स्लीव्स और दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था। एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन है और ये पर्ल्स मेरे पास पड़े थे, तो मैंने टेलर को दिए कि ये इस तरह से आप लगा दें, क्योंकि वाइट ट्राउज़र है तो उसके साथ अच्छे लग रहे हैं। ये इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े से वक्फे के साथ ये पर्ल्स लगवाए थे। और ये इसका दामन है, दामन भी बहुत प्यारा है पर्पल कलर के साथ, और वाइट साथ लेस लगाई है। और फिनिशिंग इसकी मैंने पाइपिंग के साथ करवाई थी, क्योंकि पाइपिंग के साथ एक और ही ड्रेस की लुक आ जाती है। और ये इसके स्लीव्स हैं और जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और इसी की वजह से मैंने ये ड्रेस लिया था, स्लीव्स और दुपट्टे की वजह से। दुपट्टा भी आपको साथ रख के दिखाती हूँ। और समर की ड्रेसेस को आप अगर लॉन्ग लास्टिक लेके चलना चाहते हैं तो थोड़े से लूज़ खुले खुले से अच्छे लगते हैं, इसलिए ये देखिए स्लीव्स भी मैंने खुले रखवाए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।